हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों को जो है अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा सरप्राइज भी है और आपको जो है ये चीज़ पसंद भी आएगी। तो यहाँ पे इस तरीके के हमारे पास कुछ गिफ्ट बॉक्सेस है दोस्तों। तो ये जो है 70 रुपीज़ वाले थे, ये 60 रुपीज़ वाले हैं। तो इसके अंदर जो है क्या है वो देखेंगे। तो इसको जो है आप लोकल मार्केट से भी खरीद सकते हैं, ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। इसकी बेस्ट बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। तो यहाँ पे क्या होता है, शादियाँ होती है, इंडिया के अंदर बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, अलग अलग टाइप की जो है पूजाएँ होती है, या तो गुड लक के लिए लोग जो है गणेश भगवान जो है उसको मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। इवन थाईलैंड के अंदर भी दोस्तों गणेश जी की जो है पूजा की जाती है। तो आज हमारे पास जो है छुटके से गणेश भगवान। तो दोस्तों मूर्तियाँ जो होती है ना, वो मतलब उसको पूजा करने के लिए, उसको जो है मतलब भगवान की क्या बोलते हैं, मतलब मान्यता देने के लिए, जो भी आप समझे, तो इसके अंदर जो है प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। तो जब भी आप इसको जो है अपने घर पे रखते हैं, या तो फिर क्या बोलते हैं कि अपने शॉप पे रखते हैं, अपने ऑफिस में रखते हैं, कहीं भी रखते हैं, तो इसमें आप प्राण प्रतिष्ठा ज़रूर कर लें। तो यहाँ पर हमारे पास जो है इस तरीके के बहुत क्यूट से जो है गणेश भगवान हैं। तो जनरली पूजा के टाइम पर थाली में रखने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। तो इसकी कीमत जो है 60 रुपीज़ है दोस्तों। तो यहाँ पे और एक हम बक्सा खोल लेते हैं। तो इसको आप लोकल स्टोर से आराम से खरीद सकते हैं, ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, ठीक है ना। इसकी बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इनकेस कहीं से आपको नहीं मिल पाता है तो आप हमसे भी खरीद सकते हैं। गणेश भगवान जो है ना गुड लक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और लोगों को जो है इनकी पूजा अर्चना करने से, इन पर श्रद्धा रखने से जो है जीवन में शांति और धन की जो है प्राप्ति होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और गणेश भगवान आ गए। तो इसकी जो है गणेश भगवान की सूंड जो होती है ना, उस पर जो है यहाँ पे डायमंड का डेकोरेशन किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब जो है, और ये आई थिंक चिनाई माटी जो बोलते हैं पोर्सिलिन, उससे बनाया हुआ है। तो ये अगर गिरेगा तो टूट जाएगा, तो इसको थोड़ा सा आपको संभाल के रखना होगा, जहाँ से ये गिरे नहीं उस जगह पर आप रख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना पढ़ाई करने बैठते हैं तो गणेश भगवान की स्थापना करके ही बैठते हैं, तो ऐसा मैंने भी देखा है बहुत जगह। तो आप इसको जो है इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं गणेश भगवान को। पर जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें प्राण प्रतिष्ठा आपको ज़रूर करनी चाहिए, करनी ही पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। तब तक जो है भगवान की मूर्त जो होती है ना, वो मूर्त ही रहती है, और जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, जैसे कि बच्चा जो है जैसे जन्म लेता है ना, तो वो सीधा मतलब उसमें जान नहीं आ जाती, उसको जो है उसके मतलब मेडिकल प्रोसेस होती है जब वो रोना शुरू कर देता है, और या तो फिर कोई भी इंसान जो है मृत्यु उनका होता है, तो उसका शरीर जो है वो खाली हो गया है, तो उसकी आत्मा निकल गई है। तो ये जो है इस तरीके की नॉर्मल मूर्त है, बट अगर इसमें आप अगर प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो ये भगवान भी जीवंत हो जाएंगे, और इसकी फिर आप पूजा अर्चना करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग टाइप की जो है इसमें स्टाइल है, या तो फिर आप बोल सकते हैं कि गणेश भगवान की अलग अलग टाइप की मूर्तियाँ हैं यहाँ पर। तो ये सभी जो है ये 70 रुपीज़ की है, ये 60 रुपीज़ की है। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, आप देख सकते हैं साइज़ में थोड़ा डिफरेंस है, डिज़ाइन में थोड़ा डिफरेंस है, ओके। और थोड़े बहुत यहाँ पे कलर्स भी जो है आपको वेरिएशन मिल जाएंगे। 60 रुपये वाला है उसमें 3 कलर वेरिएशन है, फिर यहाँ पे जो है 70 रुपीज़ वाला उसमें 2 कलर का वेरिएशन है, आई थिंक 2 कलर है इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऑलराइट, अब लास्ट एक है 70 रुपीज़ वाला, उसको भी मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। बहुत ही संभाल के इसको जो है दिखाना पड़ेगा। तो इसमें 3 कलर्स हैं और इसमें जो है 2 कलर्स आपको मिलते हैं। तो इस तरीके से जो है हमने 6 और 3 9 मूर्तियों को जो है अनबॉक्स कर दिया है। तो इसको जो है आप ज़रूर ट्राई करें, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। अगर आप भगवान में श्रद्धा रखते हैं तो आपको जो है गणेश जी की पूजा अर्चना करनी ही चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी तो जिसको जो मतलब उसका धर्म है वही उसके लिए सबसे बड़ा होता है, तो आप अपने भगवान को भी पूछ सकते हैं, बट अगर आप गणेश जी को मानते हैं तो इसको जो है मूर्ति को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, ऑल द बेस्ट, एंड ओम श्री गणेशाय नमः।